कॉन्ग्रेचुलेशन मोहिनी जी, आपको कैसा लगा दिल्ली आईवीएफ में ट्रीटमेंट करवाने से? थैंक यू मैडम, दिल्ली आईवीएफ में ट्रीटमेंट करवाया मैंने, मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। मेरे मैरिज को 9 ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तो इससे मैं आंध्रा के विशाखापट्टनम से आई हूँ इधर, तो ऑलरेडी पहले मैं ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, तो मेडिसिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे फिर यहाँ दिल्ली आईवीएफ के लिए डॉक्टर पुनीत बंसल हैं, उन्होंने रेफरेंस किया, तो मैं यहाँ आई। यहाँ आकर मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव रिपोर्ट से मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली सारे बहुत खुश हैं और मुझे भी काफ़ी यहाँ के ट्रीटमेंट से, यहाँ के डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, यहाँ के पूरे स्टाफ के सभी के हेल्प से मुझे ये मतलब कि अच्छा गुड न्यूज़ मिला है, इसके लिए मैं काफ़ी सेटिस्फेक्शन हूँ। आपकी शादी के कितने साल बाद आपको मतलब ये गुड न्यूज़ मिली? आपको किसने बताया दिल्ली आईवीएफ के बारे में मैम? बेसिकली 9 ईयर्स हो चुके हैं मेरे मैरिज को और मुझे यहाँ फरीदाबाद में डॉक्टर पुनीत बंसल हैं, उन्होंने मुझे बताया दिल्ली आईवीएफ के बारे में जी। तो उनके बताने पर मैं यहाँ आकर मैंने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो लोग क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो लोग मतलब जिन लोगों के बेबीज़ नहीं हो पाते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो आगे, अगर उनके मैरिज के काफ़ी साल हो चुके हैं अभी भी उनके बेबीज़ नहीं हुए, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और दिल्ली आईवीएफ सेंटर आए, यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है जिस तरह से आज मैं जो 9 ईयर्स से मैं ट्राई कर रही थी और अभी तक जो प्रेगनेंसी नहीं आई, दिल्ली आईवीएफ सेंटर में ट्रीटमेंट करवाने से मुझे प्रेगनेंसी आ चुकी है, ऐसे ही बाकी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको भी यहाँ आने से उनको भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है, उनको भी प्रेगनेंसी आ सकती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो दिल्ली आईवीएफ आए और यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ का ट्रीटमेंट लें। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन।